और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया है, उनका बयान सामने आ गया है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को कुछ नहीं मिला है, सिसोदिया को बदनाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक बार फिर मनीष सिसोदिया के मामले में उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ साजिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की। क्या कुछ कहा है, किस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, सुनिए। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता, इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें। बोले पकड़ा इनकर इन उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100-1000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला।